7 मई को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल का सघन जनसंपर्क जारी है और नित नए तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दुर्ग लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल द्वारा नए नए तरीकों से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले चाय पर चर्चा, उसके बाद पोहा बनाया, फिर अपने ही हाथों से बनाया डोसा और अब कैंप वन जलेबी चौक पर जन समूह को इकट्ठा कर जन समर्थन पाने के मकसद से अपने हाथों से जलेबी बनाई, जिसे देख उपस्थित जन समुदाय अचंभित रह गए, क्योंकि दुर्ग सांसद विजय बघेल बिल्कुल सदे हुए खानसामे की तरह परफेक्ट जलेबियां बनाए। मामला इतने पर ही नहीं रुका, वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने भी जलेबी बनाने में अपने हाथों की कला दिखाई और लोगों का मन मोह लिया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल को दुर्ग लोकसभा सीट के लिए जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और एक बार फिर उनके विजय श्री की कामना भी की जा रही है। कैंप एक जलेबी चौक पर जलेबी पर चर्चा कार्यक्रम के आयोजन में वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र में भी दुर्ग सांसद विजय बघेल के हक में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। देखिए, मैं अक्सर कुछ न कुछ घर में करने की मेरा शौक है। मैं पहले सब पूरा खाना भी बनाता था, कभी कभी हमारी बहन या मेरी पत्नी या मेरी माँ डोसा बनाती थी, चिल्ला बनाती थी, तो उसमें भी मैं प्रयोग करता था। ये शौक है, बाकी तो हमारी माँ पत्नियाँ बहनें करती हैं और उसमें अलग ही मजा है। मतलब किस तरह हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी पत्नी किस तरह उसमें बड़ा भाव से, उसमें जो ममता है, वो जो मिठास है, वो माँ के हाथ में है, बहन के हाथ में है और पत्नी के हाथ में। लेकिन हम लोग शौक से करते हैं। आज उस दिन डोसा बन रहा था, हमने शौक से डोसा बनाया, बहुत अच्छा डोसा बना, मुझे सुकून हुआ। आज जलेबी बनाया, बहुत अच्छा जलेबी बना, मेरे मन में सुकून हुआ। तो ये हर आदमी को हर चीज़ का शौक होना चाहिए। मंगल चित्र को लेकर के बवाल मचा हुआ है, बचाने वाले बताते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही ना, बहुत रहाई, बहुत मार्मिकता भी, बहुत आत्मा गुरु ने बातें कही है। राहुल गांधी का ये कहना है कि जो वह कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को लेकर के मोदी जी घबरा गए, पैनिक हो गए, डर गए। कौन कह रहे हैं? राहुल। राहुल गांधी अपनी चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। वोट भरे की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। कितने सारे झूठ अपने मैनिफेस्टो में भरे हैं, जो चीज दे नहीं सकते उसको देना है, क्योंकि भारत की जनता जान चुकी है किसके कथनी और करनी में अंतर है और कितने में नहीं है। भाजपा जो कहती है करती है, ये भारतीय भारत के लोगों में है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिखाई दिया, मध्य प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया, राजस्थान और बहुतायत प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया। ये भाजपा जो कहती है वो करती है। इन 10 सालों में जो देश के लिए कहा था वो किया, और कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं। 65 साल तक लोगों को फांसे में रखने का, उलझन में रखने का और बेवकूफ बनाने का काम की है ये जनता। अच्छी तरह भैया, जलेबी चौक का आज का अनुभव कैसा रहा है? जलेबी चौक का आज का अनुभव कैसा? जलेबी चौक का अनुभव तो मीठा मीठा रहा। आप लोग भी जलेबी लीजिए, मैं आपके लिए भी बना के रखा हूँ। मैं बोला हूँ कि पत्रकार भाइयों बहनों को, छत्तीसगढ़ के एक जो पूर्व मंत्री हैं, हमेशा से विवादित बयानों में शुरू से बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी एक खाली एक उनका बयान और भी आया है कि 1000 रुपये में तो बुढ़ापा नहीं आता, ऐसा कहना है कवासी का। शराबी कबाबी का बात नहीं करता मैं, पी पा के कुछ भी बकते रहते हैं। चुनाव में माहौल जो चल रहा है वो तो ठीक है। आज हम लोगों ने चाय की चर्चा पे और जलेबी की चर्चा रखी गई है, जो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और अच्छा चीज़ इसलिए है कि हम जब किसी के घर पे भी जाते हैं तो चाय से ही शुरुआत होती है। अगर कोई हमारे घर मेहमान आया तो हम उसे यही बोलते हैं कि चाय पी के जाइएगा। तो हमारे भारत देश में चाय का चलन तो है ही, और प्लस मोदी जी जो हैं वो बचपन में चाय भी बेची है उन्होंने, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी जो चाय अगर बेच सकते हैं तो हम सभी को चाय बनाना, पिलाना, भाईचारा बना के रखना, ये सब तो हम लोग का कर्तव्य है। और दूसरी बात जो जलेबी की रही, तो जलेबी बड़े हमारे विजय बघेल भैया जी जो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी जलेबी बनाई और स्वयं हमने भी जलेबी बनाई।
जलेबी बना करके हम सभी ने हमारे वार्ड वासियों को खिलाई और साथ में पत्रकार महोदय भाई जो लोग आए हैं उनको भी खिलाई और साथ में हमारे काफ़ी सारे बुजुर्ग भाई बुजुर्ग पिता सामान्य पिता तुल्य लोग आए हैं तो उनको भी खिलाया गया और सभी बच्चों को बांटी गई। तो जलेबी खाना एक और भी अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप सबको, क्योंकि हमारा जलेबी बना करके आज हमारे विजय बघेल भैया ने, क्योंकि जलेबी राष्ट्र मिठाई है और पूरा राष्ट्र इस जलेबी के मिठास में घुलने वाला है और घुलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जलेबी चौक की जलेबी बहुत ही प्रसिद्ध है और यहीं तक के नहीं सीमित है, वो विदेशों तक जाती है। देखिए जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं चुनाव की, और चाय पे तो चर्चा हो ही रही है, चाय के साथ पोहा भी खाया जा रहा है और शाम को ये जलेबी चौक में थोड़ी सी मिठास और घोल दी गई है, जलेबी और भजिया, चाय भी है चाय के साथ जलेबी और भजिया भी है, तो लोग इसका आनंद ले रहे हैं, कार्यकर्ता आनंद ले रहे हैं और अपने आप को रिचार्ज करते जा रहे हैं, लोगों के और निकट होते जा रहे हैं हम लोग और निश्चित ही 6 लाख पार करने वाले हैं हम लोग। चाय की मिठास कम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई और बढ़ाई जा रही है, साथ में जलेबी आ रही है, भजिया भी आ रहा है। आज सांसद महोदय ने अपने हाथों से जलेबी बनाया है, किस रूप में देखती हैं इस आयोजन को? देखिए ये जो आयोजन है, हमारे जो सांसद महोदय जी हैं बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत मृदुभाषी, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायणता है उनमें और ये वो जो एक निष्ठावान है और जमीनी तौर पे वो जुड़े हुए हैं, तो ये उसी का ही एक परिचय है कि किस तरह से वो अपने हाथों से चाय बनाते हैं, पोहा बना रहे हैं और आज देखिए जलेबी भी बनाई। इस लोकसभा चुनाव में दोनों ही दिगर पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि 7 मई को दुर्ग संसदीय क्षेत्र की जनता किस नाम पर मोहर लगाती है और किसे विजयश्री प्रदान करती है। ACN News के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।